लखनऊ पहुंचे रजनीकांत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से करेंगे मुलाकात। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत इन दिनों अपनी फिल्म जेलर को लेकर चर्चा में हैं। ये मूवी रिलीज तो हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई भी कर रही है। इस बीच रजनीकांत फिल्म को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी सिलसिले में वो अब लखनऊ पहुंचे, जहां वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और उन्हें अपनी फिल्म जेलर भी दिखाएंगे। सुपरस्टार रजनीकांत शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पहुंचे। राजधानी लखनऊ पहुंचने पर सुपरस्टार ने मीडिया से बातचीत की और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अपनी फिल्म जेलर देखने की अपनी प्लानिंग भी शेयर की। उन्होंने अपनी फिल्म की सक्सेस को लेकर भी खुशी जाहिर की। जब रजनीकांत से सीएम के साथ उनकी मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, हाँ मैं उनके साथ अपनी फिल्म जेलर देखने जा रहा हूँ। उन्होंने फिल्म को मिली सफलता पर अपना रिएक्शन भी देते हुए कहा, सब भगवान की दुआ। आपको बता दें कि रजनीकांत इस समय कई शहरों का दौरा कर रहे हैं। वे लखनऊ में भी कुछ आध्यात्मिक जगहों पर जाएंगे। इससे पहले रजनीकांत झारखंड रांची में भी थे। उन्होंने छीनामस्ता मंदिर में दर्शन किया था। इससे पहले वो हिमालय की आध्यात्मिक यात्रा भी किए थे, जहां से उनकी कई फोटोज वायरल भी हुई थी। रजनीकांत की अगली फिल्म को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि ये अगले महीने फ्लोर पर जाएगी। इसके अलावा फिल्म में बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन को विलन के रूप में कास्ट करने की प्लानिंग भी हो रही है। अगर ऐसा होता है तो दोनों 32 साल बाद स्क्रीन पर एक साथ नजर आएंगे। दोनों ने हम फिल्म के साथ काम किया था। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दें।